हे गाइस हेलो। तो अभी मैं आ रखा हूँ उत्तराखंड, और पहले का अभी मैं देवप्रयाग पहुँच चुका हूँ। पहले का कैसे सच कोई शूट किया नहीं, क्योंकि रोज़ का ही रूट हो गया एक तरीके से, और कुछ ऐसा कुछ खास मिलता नहीं है। लेफ्ट हैंड में मेरे जो है ये संस्कृत स्कूल बन रहा है, संस्कृत विद्यापीठ टाइप कुछ यहाँ पे बन रहा है। तो ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल रहेगा ये संस्कृत का। और ये सामने जो है ये नीचे रोड जा रही है अपना नीचे पौड़ी के लिए, तो यहीं से हम नीचे कटेंगे और अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो पानी देखो लास्ट टाइम की तरह ही बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे पिछले हफ्ते हमें मिला था। और इधर संगम बन रहा है आगे, तो चलिए चलते हैं अपने गांव और फिर वहां का दिखाते हैं आपको नज़ारे क्या है क्या नहीं। तो जो राइट में यहाँ पे स्टेशन बन रहा है, रेलवे स्टेशन, और ये छोटा सा पुल है। पहले वो जो नीचे वाला पुल है वो था पैदल पार करने के लिए, बट जब सब गाड़ियाँ थोड़ी चर्चे में आ गई, गाड़ियाँ होने लग गई, तो फिर इस पुल को बनाया गया। ये भी काफ़ी पुराना है, और शायद जब रेलवे पुल बन जाएगा तो ये से भी नया कंस्ट्रक्ट करेंगे। और ये देखिए नीचे नदी बहते हुए। खैर देवप्रयाग तक ऐसा कुछ खास मज़ा आता नहीं, लगता नहीं है कि हम प्योर पहाड़ों में होंगे, बट क्योंकि सड़कें वहाँ की जो है बहुत काफ़ी चौड़ी चौड़ी हो चुकी हैं। और अगर यहाँ की सड़कें दिखाऊँ, देखो सड़क और ये देखो स्टेयरिंग। जिस हिसाब से गाड़ी हिल रही है और जो आवाज़ें आ रही हैं, पता चल रहा होगा आपको कि सड़क की हालत कैसी है। गाड़ी अपनी लगाते हैं, सामान अपना बाद में ही ले जाएंगे बाकी, क्योंकि अभी लंच का टाइम हो गया है और ऑलमोस्ट अपना 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट लगा यहाँ तक पहुँचने में। अब आगे चल के बताते हैं आपको। तो पार्किंग हमारी हो गई, पीछे अपना व्यू देखिए आप, और भाई गांव की ठंडी हवा शुरू, शायद थोड़ी बहुत आवाज़ भी आपको आ रही हो। बाकी वो बैठे हमारे दोस्त, और इस तरीके के रास्तों से हमें जाना पड़ता है क्योंकि शॉर्टकट यही है। 3-4 बार तो फिलहाल मैं गिरूंगा पहले इनमें, फिर ही पहुंचूंगा, क्योंकि मेरी चप्पल जो है वो फिसलती है और मैं ये भूल गया था। कभी जूस बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे बनता है। तो फिलहाल अभी लंच करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पूरा घुमाता हूँ कि क्या है कैसे है। बाकी क्योंकि सीधा पूरी खड़ी चढ़ाई थी तो उस वजह से सांस भी फूल गई है, क्योंकि अब आदत नहीं रही। तो ये देखो इस चढ़ाई में आए थे हम, और ये हमारे भाई लोग चलते हुए। और ये हम सामान लाते हुए, ये देखो पीछे हमारे और बहादुर जी। बढ़िया 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 हुजूर। ठंड काफी बढ़ गई है, अब लग रहा है कि हाँ ग्लव्स टोपी लेके आने चाहिए थे, बट कुछ ऐसा कोई प्रबंध हमने किया नहीं है। बाकी मौसम का हाल देख रहे हो आप, कैसे लग रहा है? ये भरी रोटी हमारी आ चुकी है, सामने आग जलने की कोशिश कर रही है। तो रोटी हमने खा ली, गेट की रोटी, और ये देखो कैसे चमक रहे ये माल्टे। गांव में पूरी हो चुका है अंधेरा, और यहाँ बनेगा हमारा सामान। अब ये देखो घर जैसे बंद रहते हैं तो इनकी हालत देखो, ये चूहे ने पूरा खोद रखा है यहाँ पे। तो तैयारी चल रही है हमारे खाने की, डिनर की हमारे। और ये देखो सूरीदा शेफ अब शुरू हो गए अपना काम करने में। और ये जो हमें काम मिला है, हमें ये क्या कर रहे हो भैया आप? भोले बाबा का प्रसाद। ये लाइटर में कौन सा नशा किया इससे पहले आपने? और ये देखो हमें जो काम दिया, ये चिकन धोने का काम दिया है वीडियो। तो ये हमारे जो शेफ साहब है इनको देखो, हम खाना बनाने स्टार्ट कर दिया बट मसाले कोई एक नमक है ना मिर्च है हमारे पास,
और बनते हैं ये खुद को मास्टर शेफ। बस बीवी के गुलाम और कोई काम नहीं है। बाकी जो हमें आज काम मिला है, हमें काम मिला है चिकन धोने। आज से पहले हमने यही चिकन धोए था और आज फिर से यही धो रहे हैं। टीन दिखाओ इस तरीके से रहता है, ये हमारा पहाड़ी कल्चर है। हमें ऐसे ही रहने में मजा आता है। पैसा बहुत है। अभी हम मौत के मंजर के बीच में है, एक बिच्छू से अभी अभी हमारा सामना हुआ है। पैसा बहुत है पर हमें ऐसे रहने में मजा आता है। ये हमारे दूल्हे हैं इन फ्यूचर वाले, इनकी शादी है। ये हमारे सेकंड दूल्हे हैं इन फ्यूचर वाले। ये चिकन बना रहे और इन्हें यही नहीं पता कि गार्लिक का पेस्ट चिकन डालने के बाद डलेगा या पहले डलेगा। यही दिक्कत होती है जब घर बंद हो और सिर्फ लड़के लड़कों को खाना बनाना हो, तो कुछ इस तरीके का हाल हो जाता है। रात में देखो पूरा सुनसान, बहुत सारे लोग सो चुके होंगे। और ये हम आए हैं जो हमारे दूसरे शेफ है अरुण शेफ, उनके घर में। चाची मसाले का डब्बा सुबह आएगा। सुबह ठीक। तो ये हमें डब्बा मिल गया है, अब हम चलते हैं घर को। देखो ये हमारे इन ये शेफ साहब ने, पता नहीं कैसे शेफ साहब है। ये देखो ये चिकन बनाए, देखो पानी अलग बह रहा है, मुर्गा अलग बह रहा है। ये देखो कोई बात नहीं यार, मैं ऐसे खा। ऐसे बनाते हैं क्या? तरीदार्च बनाना आता नहीं है तो हाथ में क्यों ली करछी? देख पर खाई, देख जब खाई तो ऊपर बोल खा, उसको फेट बैठ दूंगा। ठीक है देख सही चिरे बिल्कुल ओके। खती हूं चबनी हूं खती हूं। रात तो हमारी काली हो चुकी है क्योंकि जो मुर्गा है इन्होंने मुर्गे की तो पता नहीं क्या हालत करी है कि वो खा भी नहीं पाएंगे और चबा भी नहीं पाएंगे। बट छोड़ो, हमने तो चलो एक पराठा खा लिया था, कम से कम इतनी ज्यादा भूख नहीं लगेगी। चावल रखते हुए सो रहे सूरी सर, मजा आ रहा है। तो ये आज का हमारा खाना चिकन और चावल, जले हुए चावल। नहीं चावल अच्छे हैं बस चिकन अच्छा नहीं है, यूं मेरी रुचि। ये हमारा है आज, हमें हाथ से ही तो मजबूरी में सोना पड़ रहा है तो डिनर हमारा हो चुका। और अब ये देखो यहाँ जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है कि कौन सा कंबल लेगा। मैंने तो ये सब चीजें चलती रहेगी, बाकी अब हम कल मिलेंगे आपसे। आज हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ी बहुत इधर की उधर की करी है। याद कोई कर रहा है? अब एक ही है याद करने वाला तो फिलहाल। तो चलिए मिलते हैं बाद में।